अरे क्या बताए, अभी तक पगार नहीं हुई ना, हमें आना है आपके पास। ठीक है, चलिए चलिए। साहब साहब, आग आग साहब, गणेश साहब का क्या हुआ? ऊपर के कमरे में आग लग गई है। आग लग गई? आकाश भैया दरवाजा खोलिए। बड़े साहब साहब दरवाजा खोलिए। बड़े साहब। आकाश भैया क्या हुआ? बहु वो ऊपर के कमरे में साहब ऊपर आग लग गई। चलिए चलिए चलिए। आग लगी ऊपर के कमरे में। आग लगी। खोलो खोलो जोर से खोलो। अरे 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 नहीं खुला तो तोड़ो दरवाजा। मुंबई के एक उपनगर मलाड के एक बंगलों में एक लड़की अपने कमरे में धुन धुन कर चलती रही और उसके परिवार को इस घटना के घटने की भनक तक नहीं लगी। यूं तो पहली नजर में देखने पर यह मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन क्या पुलिस की तफ्तीश शुरू होने के बाद इस जुर्म में एक के बाद एक नई परतें खुलने वाली थी? क्या जुर्म का एक ऐसा कॉकटेल सामने आने वाला था जिसमें ना सिर्फ शोषण और धोखा होगा बल्कि ठगी, हत्या, लूट और बलात्कार भी पाया जाएगा? फॉरेंसिक वाले को बुला और एम्बुलेंस को भी बुला लेना। यस सर। सर लड़की तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है। क्या ये आपकी बेटी थी? जी नहीं, मेरा बहुत पुराना मुलाजिम है गणेश, उसकी बीवी थी। क्या ये तुम्हारी बीवी थी? उसने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना था? क्या पता साहब, ये तो वही बता सकती थी। सर ये घर मेरे चाचा जी का है, उनकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं और मेरी बीवी यहां पर रहते हैं ताकि उनका कोई ख्याल रख सके। और ये गणेश, ये कब से काम कर रहा है यहाँ? बचपन से। हमें तो अपने असली माँ बाप याद भी नहीं। साहब ही हमारे माँ बाप हैं और मालिक भी, और हमारी दीपा से शादी भी इन्होंने ही करनी थी। तुम्हारी बीवी ऊपर वाले कमरे में थी तो तुम कहाँ थे? साहब वो कल रात हमारी लड़ाई हो गई, हमें गुस्से में आके नीचे गेस्ट रूम में सो गए। लड़ाई झगड़े अक्सर होते थे तुम दोनों के बीच। ऐसी कोई बात नहीं थी, बहुत अच्छा पति था गणेश, दीपा का बहुत ख्याल रखता था। हो सकता है कि तुम्हारी बीवी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई। रात को झगड़ा होने के बाद गुस्से में आकर तुमने उसे जला दिया और फिर नीचे आकर सो गए होंगे। साहब दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी और सुबह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे हम। फिर मैंने ऐसा कुछ किया तो दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद होती। जितने भोले नजर आते उतने हो नहीं। तुम्हें बीवी की चिखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी? मैं नीचे गेस्ट रूम में सो रहा था, दरवाजा बंद था और पंखा आवाज भी बहुत करता है, शायद इसलिए नहीं सुन पाया। पंखे की तेज आवाज में तुझे नींद आ गई लेकिन बीवी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। इंटरेस्टिंग है। मुझे नींद आने की बीमारी है, इस बीमारी की वजह से मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ और एक बार स्लीपिंग पिल्स ले लेता हूँ तो फिर गहरी नींद में सो जाता हूँ। हो सकता है इसकी वजह से कोई आवाज सुनाई न दी हो। मैडम कल रात को हम डीवीडी पर मूवी देख रहे थे तो शायद उसी की आवाज से हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। अगर कोई चीखा भी होगा तो हमें कुछ पता नहीं चला। और गणेश और दीपा, इनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? गणेश तो बहुत ही सीधा लड़का है लेकिन वो दीपा, उसकी तो आंखों से ही भूख टपकती है।
मेरे हस्बैंड को भी ऐसे देखती थी कि जैसे खा जाएगी। वो तो चाचा जी गणेश को बहुत चाहते हैं और गणेश भी सालों से उनका पूरा काम संभाल रहा है, वरना मैं तो उनको कब का बाहर निकाल फेंकती। सर एक बात समझ में नहीं आई, एक जवान लड़की जिसके लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, वो सुसाइड जैसे इतना बड़ा कदम क्यों उठाया होगा? क्योंकि तांबे, ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। मर्डर? लेकिन आप इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? जिस कमरे में हमें दीपा की लाश मिली थी वहाँ ऑयल क्या नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली थी जिससे खुद को जलाया जा सकता। दूसरा मुद्दा, दीपा की लाश जहाँ मिली थी उस एरिया को छोड़कर पूरा रूम नीट एंड क्लीन था। जब भी कोई आदमी अपने आप को जला लेता है तो दर्द के मारे चीखता है, चिल्लाता है, छटपट आता है और यहाँ वहाँ भागता है, जिसके निशान उस कमरे में होने चाहिए थे जो यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर ही है। तांबे, ये आकाश, सुभाष, मित्रा और गणेश, इन सबके स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करो, हो सकता है इनमें से कोई झूठ बोल रहा हो। ओके सर। शर्मा किला। अच्छा सुन, आज उठने में थोड़ी देर हो गई थी तो टिफिन में कुछ बनाया नहीं, स्कूल के कैंटीन में कुछ खा लेना। थैंक यू पापा, कितने अच्छे हो आप। बाय पापा। बाय। अम्मा को बाय बोलो। बाय माँ। बाय। संभाल के जाना बेटा। सुमन उठो, दवाई खा, उठो। दवाई लो। डायलिसिस के लिए जाना है ना, उठो चलो तैयार हो जाओ, उठो संभाल के चलो। हेलो, क्या? लेकिन कैसे? क्या हुआ बोलिए ना, क्या हुआ? दीपा तो तुम्हारी साली थी, तुम्हारी बीवी की बहन, तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? सर मेरी बीवी खुद आना चाहती थी, उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई, उसकी तबीयत बहुत खराब है सर, इसलिए। सुरेश जी, क्या आप हमें दीपा के बारे में कुछ बता सकते हैं, मतलब कैसी लड़की थी वो? दीपा बहुत बहुत अच्छी लड़की थी सर, एकदम नेक, हमेशा खुश रहती थी, सबको खुश रखती थी, सबसे प्यार करती थी। देखिए हमें शक है कि उसका मर्डर हुआ है, आपको क्या लगता है गणेश ये सब कर सकता है? सर अगर आपने ये सवाल मुझसे पहले पूछ होता तो शायद मैं ना कहता, लेकिन अब मेरा किसी पर विश्वास नहीं रहा सर, किसी पर भी नहीं। तांबे, अगर किसी शरीफ इंसान का मर्डर होता है तो तुम्हारा सबसे पहले शक किस पर जाता है? जाहिर सी बात है सर, क्रिमिनल पे। करेक्ट। और किसी क्रिमिनल का मर्डर हो तो? वो तो कोई भी कर सकता है, क्रिमिनल भी या कोई शरीफ आदमी भी। करेक्ट। इसीलिए हमें कैरेक्टर का पोस्टमार्टम करना जरूरी है, जिससे हमें यह पता चले कि दीपा का मर्डर घर वालों ने किया है या बाहर वालों ने। सर मैंने दीपा के एरिया में उसके बारे में पूछताछ की है, वहां पे किसी ने भी उसके लिए कोई नेगेटिव बात तो नहीं की है, मुझे लगता है बाकी लड़कियों की तरह वो भी नॉर्मल लड़की रही होगी। नीपा, नॉर्मल लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर नहीं सोती। सर तो आपके कहने का मतलब है कि वो एबनॉर्मल थी? नहीं, उसके हालात नॉर्मल नहीं थे। इस केस में पुलिस अब तक सिर्फ एक निष्कर्ष पर पहुंच पाई थी और वो ये कि दीपा ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या हुई थी, और इस हत्या को लेकर उन्हें दीपा के पति गणेश पर शक जरूर था, लेकिन इस हत्या की वजह और गणेश या किसी और को भी इस हत्या से जुड़ने वाली कोई भी कड़ी अब तक उनके हाथ नहीं लगी थी। एक शादीशुदा महिला का एक छोटी बच्ची की तरह स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होना इस केस की सबसे असामान्य बात थी, और शायद वो महत्वपूर्ण सूत्र भी जो इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकता था। लेकिन सुलझने से पहले इस गुत्थी का और उलझना
अभी बाकी था। दीपा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला दबाने से हुई और वो भी 3 दिन पहले। कल तो उसे सिर्फ जलाया गया है ना शॉकिंग सर। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। कल रात हम सब ने साथ में डिनर लिया था, दीपा भी उस डिनर में शामिल थी। ये सब लोग इस बात के गवाह है। रस्तोगी साहब, इंसान झूठ बोल सकता है, साइंस नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि दीपा की मौत 3 दिन पहले हुई थी। इसका एक ही मतलब होता है, दीपा को 3 दिन पहले मारा गया, फिर ऊपर वाले रूम में रखा गया और कल उसे जलाकर हमें ये दिखाने की कोशिश की कि दीपा ने आत्महत्या की है। तो कहीं आप हम पर तो शक नहीं कर रहे ना इंस्पेक्टर? आकाश साहब, ये मर्डर का मामला है, जब तक हमें असली कातिल नहीं मिलता आप सब लोग हमारे शक के दायरे में रहेंगे। हमें शक है कि दीपा के कत्ल की साजिश में आप सब लोग शामिल हैं। सर, दीपा हमारे नौकर की बीवी थी, भला हम उसको क्यों मारेंगे? पता चल जाएगा। सर, बोल जल्दी बोल। जितना भी मार लीजिए, मैंने दीपा को नहीं मारा। मैं कह रहा हूँ, मैंने दीपा को नहीं मारा। जी, घर पर कोई है? माँ, पुलिस अंकल। आप लोग? आपके पति कहाँ है? वो मेरी दवाइयाँ और घर का राशन लाने गए। दीपा और गणेश के संबंध कैसे थे? वैसे ही जैसे आम पति पत्नी के होते हैं। कभी कभार कहा सुनी हो जाती थी, पर ऐसा कुछ बड़ा हुआ कभी दीपा ने बताया नहीं था। सुभाष जी और उनके भतीजे आकाश, इनके बारे में कभी बात हुई थी? सुभाष जी तो देवता आदमी है, उन्होंने ही मेरी दीपा की शादी गणेश जी से करवाई थी। वो तो उसे अपनी बहू की तरह रखते थे, और आकाश जी के बारे में ऐसे कुछ खास नहीं बताया था। सुमन जी, दीपा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत उस हादसे से 3 दिन पहले हुई थी। हमें शक है कि दीपा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है। ये आप लोग क्या कह रहे? ऐसा नहीं हो सकता। दीपा से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? दीपा को जानते हैं? हाँ सर, जानते। आखिरी बार कब देखा था दीपा को? सर, ध्यान से तो याद नहीं है, लेकिन 2-3 दिन पहले उसको देखा था मैंने, उसके बाद नहीं देखा। जी, मैंने उसे 2-3 दिनों से नहीं देखा। सर, एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर हाथ लगी है सर, ये देखिए। देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और आप इस तरह से बिना वजह मुझे यहाँ पर नहीं बिठा सकते। ये वजह कैसी रहेगी आपको यहाँ रोक कर रखने के लिए? ये सच है, पीपा मेरी ही पत्नी थी, गणेश की नहीं। ये बात आपने सिर्फ हमसे नहीं पूरी दुनिया से छुपा कर रखी थी, क्यों? इसलिए कि दुनिया मेरा मजाक बनाती, इसीलिए मैंने दुनिया की नजरों में गणेश को उसका पति बना दिया था। लेकिन दरअसल दीपा मेरी ही पत्नी थी। तो उसे मारा क्यों? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। बरसों के बाद मेरी जिंदगी में वो मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए आई थी, मैं उसे कैसे मार सकता था सर? क्या चाचा जी ने दीपा से शादी की थी, ये कैसे हो सकता है? सर, अगर ये बात सच भी है ना, तो भी हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हमें तो शुरू से यही पता है कि दीपा गणेश की पत्नी है। हाँ, चाचा जी दीपा पे मेहरबान जरूर थे, लेकिन सर उनके पीछे ये सब वजह होगी, ये बात तो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। बचपन से सांप के साथ ही रहा, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, इसलिए तो तेरे मालिक के कहने पर दीपा का दिखावे का पति बनने के लिए तैयार हो गया। दीपा को बताया कि शादी तेरे साथ हो रही है और उसे धोखा देकर शादी तेरे मालिक से करवाई। धोखा दिया दीपा को? नहीं सब, धोखा नहीं दिया मैंने। दीपा मैम सबको अच्छे से मालूम था कि उनकी शादी मेरे साथ नहीं बल्कि साहब के साथ हो रही, और उनको ही नहीं उनकी बहन सुमन और उनके जीजा सुरेश को भी मालूम था।
सुरेश को बुलाओ। सर। बोल। हो सर, मैं और सुमन दोनों इस बात को जानते थे। हमने वकील को घर पर बुला के उन दोनों की शादी करवा दी थी। आसपास वालों को, रिश्तेदारों को ये बताया था कि दीपा की शादी गणेश के साथ हो गई है। तुमने तो कहा था कि दीपा तुम्हारी बेटी की तरह है, फिर उसकी शादी उससे दुगनी उम्र वाले आदमी के साथ क्यों की? साहब, दीपा मांगलिक थी। हमने उसकी शादी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ था। एक दिन सुभाष जी ने दीपा का हाथ मांगा, लेकिन सुभाष जी की उम्र को देख के हम लोग थोड़ा सोच विचार में पड़ गए थे। लेकिन दीपा ने उनसे शादी करने के लिए हाँ बोल दी, तो हमें भी हाँ बोलना पड़ा। तुमने समझाया नहीं उसे? बहुत समझाया था सर। सुमन ने तो अपनी कसम तक दी थी उसको, लेकिन दीपा ने एक न मानी। उसने कहा कि अगर सुभाष जी से उसकी शादी नहीं हुई तो वो जान दे देगी। हमें उसकी बात माननी पड़ी साहब। अगर दीपा आपकी बीवी है तो उसे आपके कमरे में होना चाहिए था। वो दूसरे कमरे में क्या कर रही थी? घर वालों को मेरे संबंधों के बारे में पता नहीं था, इसलिए मेरे साथ समय बिताने के बाद वो पास के कमरे में चली जाती थी ताकि लोग हमें एक साथ में देख सके। स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर? नहीं सर, मैंने उसे बहुत सारी ड्रेसेस ला के दी थी, यहाँ तक कि उसके पास बहुत सारी नाइट ड्रेसेस भी थी। वो स्कूल यूनिफॉर्म कैसे पहने हुए थी मुझे नहीं मालूम। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ, चाबी का इंतजाम हो गया। ठीक है, तो कल सुबह पक्का। क्या लगता है सर, इस सुभाष और दीपा के रिश्ते की सच्चाई का उसके मर्डर के साथ कोई लेना देना हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि शादी के बाद दीपा गणेश को चाहने लगी थी और ये बात सुभाष को पता चल गई और इसलिए उसने मार डाला। फिर गणेश क्यों चुप रहेगा सर? गणेश इसलिए चुप बैठा क्योंकि गणेश नौकर है, बचपन से उनके घर पे रहा है। अगर वो मुंह खोलेगा तो सब कुछ गवाह बैठेगा। फिर तो उसके भतीजे आकाश और उसकी पत्नी मित्रा को भी इसके बारे में पता हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आकाश के अलावा सुभाष का इस दुनिया में कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है कि सुभाष के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी आकाश और उसकी बीवी के नाम हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, दीपा का अफेयर गणेश के साथ नहीं बल्कि आकाश के साथ चल रहा और ये बात सुभाष को पता चल गई और उसने गणेश की मदद से दीपा को मार डाला। सर, सुभाष और बाकी लोगों के कॉल और लोकेशंस की डिटेल्स। सर, पिछले चार दिनों के दौरान गणेश, आकाश, मित्रा और सुभाष के लोकेशन में कुछ भी सस्पिशियस नहीं रहा है, लेकिन सुभाष के लैंडलाइन से ये नंबर मिला है। उस हादसे के होने के कुछ एक हफ्ते पहले से सुभाष के लैंडलाइन से इस नंबर पर और इस नंबर से लैंडलाइन पर काफी कॉल्स एक्सचेंज हुई हैं, जो कि हादसे के होते ही बंद हो गई अचानक से। किसका नंबर है ये? सर, ये एक मॉर्ग के केयरटेकर वसंत खोबरागड़े का है। मॉर्ग? सर, नमस्कार, इंस्पेक्टर धनावड़े बोलते हैं, वसंत खोबरागड़े है का? लेकिन खोबरागड़े साहब को तो अभी सस्पेंड कर दिया गया साहब। सस्पेंड क्यों? अभी चार दिन पहले हमारे यहाँ से एक लड़की की लाश गायब हो गई थी, इसलिए। तांबे, ये दीपा की बॉडी की शिनाख्त किसने की थी? सर, पहले गणेश ने और फिर सुरेश ने। दीपा की बहन सुमन और दीपा की बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाओ। यस सर। दीपा की मौत के एकदम पहले एक मुर्दा घर से उसकी ही उम्र और कदकाठी वाली लड़की की लाश गायब हो जाती है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि दीपा जिंदा है और उसकी मौत सिर्फ एक नाटक? और अगर ये सच है तो कौन रच रहा था ये नाटक और कहाँ है दीपा? सुमन, ए सुमन, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया। आप लोग? हमें सुमन से मिलना है। हाँ आइए आइए, अंदर आइए, आइए अंदर आइए। सुमन, ए सुमन, यश, यश बेटा, सुमन कहाँ गए? रात को यही सोए थे दोनों सामने। एक एक मिनट। तो
फोन तो यहीं पर, फिर कहाँ चली गई? एक मिनट, शायद डॉक्टर के पास गई होगी। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं सुमन का पति बोल रहा हूँ, सुरेश। मेरी बीवी सुमन आई वहां पे? जी नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई। वहां पर भी नहीं हो? नहीं पा, आस पड़ोस में पूछताछ करो, किसी ने सुमन को देखा है क्या? एक मिनट सर। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या वो तो बताओ। साहब मैं लुट गया, साहब बर्बाद हो गया, सारे जेवर सारे पैसे लेकर भाग गई सुमन। तांबे, ये सुमन के गायब होने वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही है। सुमन का गायब होना और दीपा मर्डर केस, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले उस घर से कोई तो मॉर्ग के केयरटेकर को फोन करता है, फिर उसी मॉर्ग से दीपा के उम्र वाली डेड बॉडी गायब हो जाती है। मुझे लगता है ये सारे टुकड़े एक ही केस के, जिसे हम जोड़ नहीं पा रहे। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है सर। ये देखिए, सुमन के कॉल रिकॉर्ड में दीपा का एक कॉल है, आग लगने वाली रात उसने वो कॉल किया था। लेकिन जब हमने सुमन से बात की तो सुमन ने कहा कि पिछले 5 दिनों में उसके साथ कोई बात ही नहीं हुई दीपा की। दीपा से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? 5 दिन पहले उसने मुझे फोन किया था। हमसे झूठ बोल रही है सर। एक और बात, जब हमने दीपा की बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहा तो सुमन भाग गई। हो सकता है कि एक महज इत्तेफाक है या ना है। सुमन का गायब होना कोइंसिडेंस समझ सकता हूँ, लेकिन दीपा के कॉल को लेकर उसका झूठ बोलना, उसका क्या? मुझे लगता है सुमन हमसे कुछ छुपा रही थी। सर, उस मौत का कैटेगर वसंत खोबरागड़े हमारी कस्टडी में है। चलो सब कुछ बताऊंगा। सच सर, सर सर साहब, छोटी सी लालच की वजह से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी सर। साहब कोई 10 दिन पहले की बात है, मुझे किसी ने फोन किया सर। साहब उसने मुझे बोला वो 5 लाख रुपए मुझे देगा यदि मैं उसको एक जवान लड़की का डेड बॉडी ला कर दूं। साहब साहब जी, मुझे पहले उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ सर, लेकिन साहब उसने अपना फोन नंबर और मुझे एडवांस में 2 लाख रुपए भी दिए साहब। मुझे उसकी बात पर विश्वास करना पड़ा साहब। मैंने उसको डेड बॉडी लाकर दे दी सर, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर, विश्वास करो सर। वो आदमी अगर सामने आएगा तो पहचान पाओगे? नहीं साहब, साहब उससे मेरी फोन पर बात हुई थी, आमने सामने नहीं हुई थी साहब। बॉडी की शिनाख्त कर पाएगा तू? हाँ बिल्कुल करूंगा साहब। क्या मैं इसका हाथ देख सकता हूं? देखो साहब, ये वही है साहब। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? ये डेड बॉडी जब पहली बार इस मॉर्ग में आई थी ना, इसके इस उंगली में एक अंगूठी थी साहब, उसको मैंने ही निकाली थी, उसका निशान आज भी बना हुआ है सर। इसका मतलब ये दीपा की बॉडी नहीं है सर। इस बात में कोई शक नहीं है कि दीपा जिंदा है। तो बॉडी की अदला बदली का खेल खेल के हमें बेवकूफ बना जाए, लेकिन खेल खेल कौन रहा है? खुद दीपा और घर का कोई आदमी भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन सर उसी घर का कोई होगा, हम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हैं? बाहर का भी तो कोई हो सकता है। चांस ही नहीं, अकेली दीपा या कोई बाहर का आदमी घर में सबके रहते हुए बॉडी को घर में लाना प्लान करना इम्पॉसिबल है। मॉर्ग के केयरटेकर को भी फोन उसी घर के लैंडलाइन से गया था, इसका मतलब घर का कोई आदमी इन्वॉल्व है। सर सर सर, हम आपके पास ही आ रहे थे। वो चाचा जी का कल रात से कुछ पता नहीं चल रहा है, उनको फोन ट्राई कर रहा हूँ, उनका फोन बंद आ रहा है, यहाँ तक कि उनके दोस्तों को भी मैंने खबर की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया सर। दीपा जिंदा थी और उसकी बहन सुमन अपने बेटे के साथ फरार, और अब दीपा का असली पति सुभाष भी लापता था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी गहरी और सोची समझी साजिश का एक हिस्सा जो शायद इनमें से ही किसी एक ने रची थी?
सवालों के ढेर लगते जा रहे थे और जवाबों का दूर दूर तक पता नहीं था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला कर लिया था और अब उन्हें तलाश थी उस एक क्लू की जिसके सहारे वो जुर्म के इस बदसूरत और घिनौने खेल को खत्म कर सकें। सबसे पहले दीपा गायब होती है, अपनी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ हमें नहीं पता। उसके बाद जेवर और पैसे लेकर सुमन गायब हो जाती है और अब सुभाष गायब है। मुझे लगता है तीनों का एक के बाद गायब होना एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर कैसे ये हमें ढूंढ कर निकालना है। तांबे काम करो, सुभाष के साथ साथ दीपा, आकाश, मित्रा और सुमन इनके बैंक स्टेटमेंट्स निकालो और सुभाष, दीपा, सुमन और यश इनके फोटोग्राफ्स हर पुलिस स्टेशन में सर्क्यूलेट करो और खबरियों को काम पर लगा दो। ओके सर। सर, पिछले 6 महीनों में सुभाष के अकाउंट से आकाश के अकाउंट में कुल 16 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। क्या कहना है इसके ऊपर? सर आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, आप लोग शायद भूल रहे हैं कि मैं अपने चाचा जी का इकलौता वारिस हूँ और ये पैसे उन्होंने मुझे मेरे खर्च के लिए दिए थे। 6 महीने में 16 लाख रुपए का खर्चा? मेरे चाचा जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आपकी तरह पुलिस ऑफिसर नहीं है। सही कहा तूने। ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तूने मेरा ईगो हर्ट किया, ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि हम लोगों को ईमानदार लोग पसंद है, बेईमान बिजनेसमैन नहीं। सर मैं सच कह रहा हूँ, ये पैसे मुझे चाचा जी नहीं दिए थे। तांबे सर मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये पैसे चाचा जी नहीं थे। देखिए मैडम, आपका पति तो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, पर आप चाहे तो इनकी मदद कर सकते, वरना ये ऐसे ही पीटता रहेगा। बोलो। सर आकाश चाचा जी को ब्लैकमेल कर रहे थे दीपा से शादी को लेकर। क्या? सर मैं मानता हूँ कि मैं चाचा जी को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मैं उनको दोस्तों में बदनाम कर दूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सर मैंने उनका खून कर दिया है। दीपा की डेड बॉडी मिलने के बाद चाचा ने पैसे देने से मना किया होगा और गुस्से में आकर तुमने उन्हें मार डाला। सर ऐसा नहीं है, चाचा जी इसके बाद भी मुझे पैसे दे रहे थे तो फिर मैं उनका खून क्यों करूंगा? तो फिर किसने मारा होगा? सर यही तो मुझे नहीं पता कि किसने मारा। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा तांबे, जब तक ये सच नहीं बोलता पीटो इसे। सर आकाश ने कोई खून नहीं किया। सुभाष ने तुम्हारे अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, किस लिए? वो सर उनके बहुत एहसान है मुझ पर। सर ये सुमन की ट्रीटमेंट में मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए थे, मेरे पास पैसे बचे ही नहीं थे, तो मैंने मेरे गांव की जमीन बेचने के लिए निकाली थी लेकिन वो भी नहीं बिक रही थी, तो मैंने सुभाष जी से 3 लाख रुपए उधार लिया था। ये जमीन का व्यवहार होने के बाद उनको लौटाना था लेकिन वही पैसा लेके सुमन भाग गए। साहब सर अगर मेरी बात झूठी निकली तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना सर, आई शपथ। ठीक है जाओ तुम। सर नजर रखना इस पर, आकाश को बहुत तोड़ा सर लेकिन उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा, मुझे लगता है उसके पास बताने के लिए जो कुछ भी था वो बता चुका। नहीं दाम भी, वो और भी कुछ जानता है लेकिन मुंह नहीं खोल रहा है। वैसे ये काम कहाँ करता है? सर किसी गारमेंट शोरूम में मैनेजर का काम करता है। वहां जाके इंक्वायरी करो, शायद कुछ हाथ लग जाए। फिलहाल उसे जाने दो लेकिन उस पर भी नजर रखना। ओके सर, हमारे खबरी ने सुमन को विरार के घर में देखा है। चलो तलाशी शुरू कर दी। फॉरेंसिक को बुलाओ। यस सर। नीपा। यस सर। पता करो ये घर किसके नाम पर और किसे रेंट पर दिया था। राइट सर। सर सुभाष मारा जा चुका है, दीपा जिंदा है और सुमन और दीपा दोनों ही फरार है और किसी भी नेबर ने उनको एक साथ नहीं देखा है। वैसे देखा जाए तो दोनों को एक साथ ही होना चाहिए था। होना तो चाहिए और यही हुआ होगा। दीपा ने सबसे पहले अपने मौत का नाटक किया और गायब हो गई, उसके बाद सुमन पैसे और जेवर लेकर गायब हो गई। शायद उसके बाद सुभाष को सुमन ने कांटेक्ट किया होगा और दीपा जिंदा होने की बात कही होगी और पैसे की डिमांड की होगी, और पैसे मिलने के बाद दीपा और सुमन ने मिलकर सुभाष को मार डाला और भाग गए, लेकिन अलग अलग। कैसे अलग अलग क्यों, एक साथ क्यों नहीं? इसका जवाब तो वो दोनों ही दे सकती है। सुरेश ने हमसे कहा था कि सुमन को किडनी का प्रॉब्लम है और उसे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, इस एरिया में जितने भी डायलिसिस सेंटर है उन्हें कांटेक्ट करो और उनके सुमन की डिटेल्स दे दो और उनसे कहो अगर वो वहां आती है तो सबसे पहले हमें कांटेक्ट करें। अब मुझे इंतजार कल का है। क्यों सर? सुभाष रस्तोगी कोई मामूली आदमी नहीं था, एक बिजनेस टाइकून था और जब भी कोई बिजनेस टाइकून मरता है अपनी वसीयत जरूर बनाता है।
वकील साहब पढ़िए। मेरे क्लाइंट मिस्टर सुभाष रस्तोगी ने अपनी चल और अचल संपत्ति अपनी वाइफ दीपा और अपने नौकर गणेश के नाम कर दी है। अरे ये क्या बकवास है? चाचा जी ऐसी बसियत कर नहीं सकते। झूठ बोल रहे तुम, दिखा मुझे। सॉलिड नमक हराम, तूने और दीपा ने मिलकर चाचा जी को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। पहले तुम दोनों ने प्रॉपर्टी पे नाम करवा लिया, उसके बाद उन्हें जान से मार डाला। गिरफ्तार कीजिए, ये सब इसका और दीपा का प्लान था सर। इसे पकड़ लीजिए सर। तांबे ले चलो इसे। अरे सर आप इसकी बात सर, ये विरार के उसी मकान का मालिक है जहाँ पे हमें सुभाष की लाश मिली थी, और इसका कहना है कि उस मकान को गणेश नाम के किसी आदमी ने किराए पर लिया था। क्या यही है वो आदमी? हाँ साहब, यही था वो आदमी। ठीक है जाओ। झूठ बोला तुमने, वो घर किराए पे क्यों लिया था और सुमन उस घर में क्यों रहती थी? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू। तू भी इस प्लान में शामिल था, दीपा और सुमन को भगाने में मदद की और सुभाष को मार डाला। दीपा और सुमन कहाँ है और सुभाष को क्यों मारा? साहब मैं कह रहा हूँ मेरी कोई गलती नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं बेकसूर हूँ, मैं बोल रहा हूँ साहब मैंने कुछ नहीं। तांबे ये दीपा और सुमन का मिलना बहुत जरूरी है, जब तक ये दोनों हाथ नहीं लगती इस केस की गुत्थी नहीं सुलझेगी। अब डायलिसिस के लिए चलिए ना माँ, कितने दिनों से नहीं करवाया, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, प्लीज चलिए ना प्लीज माँ। सर आकाश के उस स्टोर से ये बैग मिला है। क्या है इसमें? खोलो। तुम्हारा ही है ना? बोलो। सर मैं एक शादीशुदा इंसान हूं और ये सारा सामान मैं अपनी बीवी के ऊपर इस्तेमाल करता हूं। अब क्या ये भी क्राइम है? नहीं नहीं बिल्कुल क्राइम नहीं है, पर क्या है तुम्हारे घर में एक औरत की लाश मिली है जो स्कूल यूनिफॉर्म में थी, और जो कि तुम इस खेल के माहिर खिलाड़ी हो सकता है जो तुम खेल अपने बीवी के साथ खेल रहे थे, हो सकता है कि वही खेल तुम अपने अंकल की बीवी दीपा के साथ खेल रहे हो। एनीवेज तुम्हारे अंकल की मौत हो चुकी है और दीपा अपने मौत का नाटक करके फरार है। तू सिर्फ इतना बता दे दीपा कहाँ है। सर मुझे सच में नहीं पता कि दीपा कहाँ पे है, और मैं तो शुरू से जानता था कि दीपा मेरे चाचा जी की वाइफ है, और मैं अपने चाचा जी की वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तेरे बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी फितरत में बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब लगती है ना तो घर रिश्ते कुछ नहीं देखती, सिर्फ जलाना जानती है। अब वो आग तेरे अंदर लगी थी या दीपा के अंदर लगी थी वो तू हमें बताएगा। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे और दीपा के बीच में? तांबे इस बार इसका इस्तेमाल करना। सर सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैं सच कह रहा हूं सर, तो कुछ भी नहीं था। नमस्कार इंस्पेक्टर धनावड़े बोलते हैं। ले चलो इसे। चलो मैडम मैंने चल आप भी यहाँ? दीपा मैडम का वो ठीक तो है ना, आप दोनों साथ में थे, आप अकेले हैं। हमारा शक सही निकला, तूने मदद की थी ना दीपा और सुमन को यहाँ से भगाने में। सब पर मैंने मदद की थी और इसीलिए मुर्दा घर से लाश लेकर जलाई ताकि लोगों को लगे कि वो मर चुकी है और कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करे। तो ये सब किया क्यों तुमने?
आपको आकाश भैया के ऑफिस से जो सामान मिला था वो दरअसल चुराया हुआ। असल में वो सामान साहब का था, सुभाष जी का। फिर मैंने फैसला किया कि दीपा मैडम और सुमन जी की मदद करूंगा। लेकिन तुम्हारी पूरी प्लानिंग फेल हो गई। सुमन के बजाय अब दीपा सुरेश के चुंगल में है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सुरेश के घर पे तो 24 घंटे नजर रखी थी, फिर वो वहां से बाहर निकला कैसे और विरार पहुंचा कैसे, और इस वक्त कहां है वो? दीपा कहां है? दीपा मेरे साथ ही थी, निकलता है यहाँ से। दीदी दीदी आप निकलो यहाँ से, नहीं तो मेरे साथ चल। निकलो दीदी जल्दी। दीपा को किडनैप किसने किया? मेरे पति ने। सुरेश ने, दुनिया जैसे उसे समझती है वो आदमी वैसा नहीं है, भेड़िया है वो भेड़िया। मेरे माँ बाप की जब से मौत हुई, जब दीपा मेरे पास रहने आई तब से वो जीजू, ये क्या कर रहा है? छोड़ो दे, जी छोड़ो दे, भगवान ने ये छोड़ दीजिए। अरे भगवान को तेरी क्या जरूरत, तेरी जरूरत तो मुझे, आ जाओ। छोड़ो दे, ये छोड़ो दे, मारी जो तू नहीं दे सकती मुझे तेरी बहन से ले रहा हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है? दीपा की शादी सुभाषी से पहली बार नहीं हुई थी, इससे भी 3 बार उसकी शादी करा चुका है सुरेश, उसने तो अपना धंधा बना लिया था। वो तो ऐसा शिकार ढूंढता था जो अकेला आदमी हो और बहुत पैसे वाला हो। वो उसे दीपा को जबरदस्ती अपने पास जाने के लिए बोलता था और शादी होने के बाद वो उसे मार डालता, और पति की मौत के बाद पत्नी की पूरी जायदाद दीपा को मिल जाती, वो उसे खुद रख लेता। सुभाष जी चौथे और सबसे बड़े शिकार थे। मेरा पैसा लेके भाग गई तेरी बहन, सीधी तरह बता दे कहाँ है वो, नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। मुझे नहीं पता, मुझे चले दीजिए। चुप साले, खून तो एक ही है तुम दोनों का। शराफत की भाषा ना तेरे बहन को समझ में आई ना तू समझ पा रही है, सीधी तरह बता दे नहीं तो ऐसा मजा चखाऊंगा, जिंदगी भर याद रखेगी। ऐसे नहीं मानेगी तुम, ऐसे नहीं मानेगी। मुझे छोड़ दीजिए, नहीं नहीं नहीं। सर सुरेश हमारी सोच से कहीं ज्यादा होशियार निकला, उसे पता था कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए अधिकतर समय दिन में वो घर पे ही रहता था, फिर रात को पीछे के दरवाजे से वो निकल जाता था। मैंने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन रिपोर्ट भी चेक की, इसे पता चलता है कि वो मड आइलैंड पहुंच के उसका फोन स्विच ऑफ कर देता था ताकि हम उसके एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक ना कर पाए, और वो अब अपने घर से भी गायब है, फरार है सर। लेकिन एक बात तय है, उसने दीपा को जहां कहां भी रखा है वो एरिया मड आइलैंड के आसपास का ही है। लेकिन सर मड आइलैंड तो इतनी बड़ी जगह है, कहां ढूंढेंगे हम उसे? तांबे, मालवणी से लेके जेट्टी तक 2 से 3 वाइन शॉप होंगे, 10 से 12 बार एंड रेस्टोरेंट है जो खाना और शराब होम डिलीवरी करते हैं। ये सुरेश एक नंबर का पियक्कड़ है, बिना पिए खाना भी उसके गले से नीचे नहीं उतरता। जितने भी वाइन शॉप है, बार एंड रेस्टोरेंट है और होम डिलीवरी करने वाले लड़के हैं, सबको इस सुरेश की फोटोग्राफ देगा, किसी ना किसी ने तो उसको जरूर देखा होगा। ओके सर।
सुनिए जरा ये फोटो देखिए, इसको देखा है कभी? हमने नहीं देखा। नहीं देखा? अरे सुनो जरा ये फोटो देखो, पहचानते हो? हाँ साहब, इनको मैं जानता हूँ, इनके यहाँ मैं हमेशा खाना पहुँचाने जाता हूँ, अभी भी उनका ही पार्सल लेके जा रहा था। हमारे साथ चलो जरा। दीपा खोलो इसे। सब सब देखा ना, देखा मैंने दीपा को पकड़ के रखा है ना, मैंने बोला ना दीपा जिंदा है सर, मैंने पकड़ के रखा है उसको, देखो सर ये तो मर चुकी है। लेके चलो इसे। हाँ सर, मैं पैसों के लिए पहले 3 बुड्ढों के साथ दीपा की शादी कर चुका था, उन तीनों में सुभाष बहुत पैसे वाला था। मैंने सोचा कि अगर सब कुछ ठीक चला तो मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी भी और इन दोनों बहनों की भी, लेकिन इन दोनों बहनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। वो जली हुई लाश जब मिली उसके बाद न जाने कहां से सुभाष को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया और वो मुझे धमकाने लगा कि वो आपको सब कुछ बोल देगा। मुझे उसे मारना पड़ा। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मेरे बेटे यश ने जब मुझे कॉल किया तब मुझे पता चल ही गया था ये दोनों बहनें कहां छुप कर बैठी। तो मैंने दीपा को वहां से उठा लिया और सुभाष की लाश को वहां पर छुपा दिया। मेरा प्लान ये था कि सुमन को ढूंढ के वो मेरे पैसे और जेवर उससे हासिल कर लूं, उसके बाद आपको सब कुछ बता दूं ताकि आपको लगे कि सुभाष का खून सुमन ने किया है। लेकिन मेरे सुमन तक पहुंचने से पहले आप लोगों ने सुमन को ढूंढ लिया और मेरा सारा खेल खत्म हो गया। तेरा खेल खत्म हो गया? तेरा खेल खत्म हो गया? तेरे मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तुझे लगता है कि तेरा खेल खत्म हो गया? तेरा खेल खत्म हो गया? सुरेश की तरह हर मुजरिम के लिए जुर्म सिर्फ एक खेल होता है, लेकिन ये खेल वो खेल होता है जो कभी किसी खिलाड़ी को जीतने नहीं देता। जुर्म का सिर्फ एक हासिल होता है और वो होता है बर्बादी। सुरेश ने दीपा की मजबूरी का फायदा उठाकर ना सिर्फ अपने रिश्ते बल्कि पूरी इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया और अनजाने में ही सही उसके इस गलत में बराबरी का साथ दिया खुद दीपा और उसकी बहन सुमन ने। गणेश ने दीपा का साथ देने का काबिल तारीफ फैसला लिया, लेकिन वो भी गलत रास्ता चुनने की गलती कर बैठा और इन सब की मिलीजुली गलतियों ने वो हालात पैदा कर दिए कि जिनमें फंसकर सुभाष और खुद दीपा तक को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी में हम सबके लिए सीख है कि हम अपने आप से वादा करें कि उनकी इस गलती को हम अपनी जिंदगी में दोबारा कभी ना दोहराएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।